नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। इस वक्त मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद हूं। अभी मेरी बात पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर से हुई है। मैटर क्या है, नरही थाना से जुड़ा यह खबर है। निलंबित एसओ पन्नेलाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद जैसा सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें देर रात नरही थाने पर लेकर गया गया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर और अपर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ शुभम अग्रवाल, जो इस पूरे घटनाक्रम के विवेचक हैं, जैसा सूत्र भी बता रहे हैं कि डीआईजी साहब भी आए थे। खैर, ये पुलिस अभी इस चीज़ को मानने से पूरी तरह से इनकार कर रही है कि नहीं, अभी ये विवेचना का मामला है, अभी कुछ और तथ्य सामने आएंगे बताया जाएगा। लेकिन थाने के आसपास जो सूत्र बता रहे हैं कि कल देर शाम यानी देर रात को पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर और विवेचक शुभम अग्रवाल और डीआईजी वैभव कृष्ण नरही थाने पे, जो कमरा शीस था निलंबित थानेदार का पन्नेलाल का, उस कमरे को खुलवाया गया और अलमारी वगैरह जो सामान बरामद हुए हैं उस सामानों को अभी जांच चल रही है। कप्तान विक्रांत बीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी ये विवेचना का मैटर है, अभी और भी जांच हो रही है, इसके बाद मीडिया को बताया जाएगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वहां से कुछ सामान बरामद भी हुआ है। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है, कुल 16 पहले और 2 सिपाही 18, और इसके बाद निलंबित एसओ पन्नेलाल भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और हेड कांस्टेबल से बात इंक्वायरी हो रही है, जांच हो रही है और पूरे कमरे का वीडियोग्राफी भी कराया गया है। कुछ चीज़ें बरामद हो रही हैं, उसको अभी गोपनीय रखा गया है, वो खुलासा बाद में किया जाएगा। ये लंबी जांच है, चूँकि जैसा कप्तान साहब का ये कहना है कि अभी जाँच पूरी नहीं हुई है, और भी ऐसे लोग हैं जिन पर शक है, उनसे भी उनको भी देखा जा रहा है, उनको भी टेकअप किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश शासन भी गंभीर है, आजमगढ़ मंडल भी गंभीर है और आईजी क्षेत्र बनारस भी गंभीर है और जनपद तो ही है। अभी पुलिस कप्तान ने बताया कि अभी जो चल रहा है, अभी नरही थानेदार की कोई नियुक्ति नहीं हुई है, पोस्टिंग नहीं हुई है और आज चौथा दिन है और चौथे दिन में जो बड़ी कार्रवाई, जैसा उन्होंने बताया कि पन्नेलाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके कमरे जो सील थे उनको खोल दिए गए हैं, उसमें से कुछ चीज़ें बरामद हुई जो पुलिस के पास है। और आगे भी हम आपसे अपडेट होंगे, जुड़ेंगे। तब तक लेते हैं, जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्ते। कमरे में क्या रहा, पन्नेलाल जो है ना, पन्नेलाल वो कस्टडी में लिया गया और उनके जो मकान को जो सील किया गया था उसको खुलवा करके नियमानुसार जी उसका पूरा सर्च किया गया, सीजर मेमो बना लिया गया है, फिर उनको अरेस्ट करके आज कोर्टिंग प्रोड्यूस किया। सर, जानकारी का कुछ बरामद भी हुए हैं क्या कुछ है? हाँ, उसका सीजर जो भी बरामदगी होती है उस सीजर मेमो उसका बना है, हम उसके लिए प्रेस नोट आपको देते हैं। एक और भी कोई गिरफ्तारी है क्या, पूछताछ? और एक जो विष्णु यादव हेड कांस्टेबल हैं वो भी हमारी कस्टडी में है, उनसे पूछताछ चल रही है, जैसा होता है उसमें विधि कार्रवाई। सर, आखिरी सवाल है, क्या अभी तो कोई नई तैनाती एसओपी हुई है? अभी नहीं हुई, जल्दी तैनाती कर दी। ठीक है, ओके।